सो गाइज आगे हम देखते हैं, जो थर्स होता है ना फिर से वही अपना मैजिक वाला ड्रामा करने बैठ जाता है और कह रहा होता है मोन से, देखना आज मैं कितना कमाल करता हूँ, आज सब कुछ अच्छा होने वाला है। मोन उसे पूछता है कैसे, यहाँ पे वो कहता है देखते रहो। तभी हम देखते हैं वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स आते हैं और यहाँ पे एक लड़का कहने लगता है थर्ड से, अगर तुम इतने ही गॉडफादर हो तो बताओ कल रात मैंने क्या किया था, क्योंकि इसके बारे में किसी को नहीं पता। यहाँ पे उसकी बात सुन के हंसने लगता है थर्ड और कहता है कल रात तुमने ड्रग्स लिया था। ये बात सुन के वो लड़का हैरान हो जाता है और वहाँ से उठ के भाग जाता है। यहाँ पे सभी बच्चों को भरोसा होने लगता है फिर थर्ड पे कि सच में उसमें गॉडफादर आते हैं। यहाँ पर फिर एक लड़की पूछती है कि क्या आप मुझे ये बताएंगे कि मेरा भाई घर वापस कब आएगा, क्योंकि वो घर छोड़ के चला गया है। यहाँ पर थर्ड उसे कहता है तुम्हारा भाई घर के बाहर खड़ा है। तभी हम देखते हैं उस लड़की के पास उसकी मॉम का कॉल आता है और उसकी मॉम कहने लगती है बेटा तुम्हारा भाई घर वापस आ गया है। ये बात सुनने के बाद तो वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट होते हैं सभी को भरोसा होने लगता है थर्स पे और वो यहाँ पे उसकी रिस्पेक्ट करने लगते हैं। हम देखते हैं फिर थर्स एकदम से ऐसा ड्रामा करता है कि उसके अंदर से गॉडफादर चले गए। ये सब कुछ देख के यहाँ पे काफ़ी हैप्पी होता है मोन भी। मोन सभी बच्चों को वहाँ से भेज देता है और उसके बाद पूछने लगता है थर्स से कि थर्स आज तुमने ये कौन सा मैजिक किया है, तुम्हें कैसे पता कि उनकी लाइफ में क्या हो रहा है। यहाँ पर थर्स हंसते हुए कहता है मैं अब सब जानता हूँ। उससे पूछता है मोन लेकिन कैसे, थर्स कहता है क्योंकि मेरे पास एक भूत है। ये सुन के हैरान होता है यहाँ पे मोन और कहता है तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, मेरे साथ मजाक मत करो। थर्स उससे कहता है अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में मेरे साथ एक भूत है। मोन को विश्वास नहीं होता लेकिन फिर मोन को उस रात वाली बातें याद आती है जो कि उन्होंने स्विमिंग पूल में बैठ के वो ओझा बोर्ड वाला गेम खेला था। यहाँ पर फिर मोन पूछने लगता है थर्स से कहीं ये उस रात वाले भूत की बात तो नहीं कर रहे हो तुम जिससे हमने उस रात बातें की थी, कहीं ये वही भूत तो नहीं है। थर्स कहता है हाँ तुमने सही कहा। मोन डरने लगता है और कहता है क्या सच में वो तुम्हारे साथ है और फिलहाल वो कहाँ पर है। थर्स उसे इशारा करके कहता है वो तुम्हारे साइड में है। फिर क्या यहाँ पे तो मोन डर के खड़ा हो जाता है और कहने लगता है क्या बोल रहे हो तुम। यहाँ पे उससे कहता है थर्स अरे डरो मत वो काफ़ी अच्छा है। साथ में यहाँ पे जो थर्स होता है ना पाव से इंट्रोड्यूस कराता है मोन को, लेकिन मोन को वहाँ पे कोई नज़र नहीं आ रहा होता, वो तो बस डर रहा होता है। यहाँ पे पाव कहता है थर्स से कि मुझे तुम्हारा दोस्त पसंद आया, आई लाइक इट। यहाँ पे उससे थर्स कहता है तुम इसे पसंद नहीं कर सकते, मोन का ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। तो यहाँ पे उसे कहने लगता है पाव मैं उसे ऐसे पसंद नहीं कर रहा हूँ, मैं उसे दोस्त के तौर पर पसंद कर रहा हूँ। यहाँ पे जो मोन होता है वो काफ़ी डरा हुआ होता है तो वो थर्स से कहने लगता है मैं घर वापस जा रहा हूँ, वो वहाँ से चला जाता है। पाओ यहाँ पे उन्हें बाय बाय बोलने लगता है। वहाँ से मोन के जाने के बाद आके थर्स कहने लगता है थैंक्स पाओ को कि आज तुम्हारी वजह से मेरी बहुत इनकम हुई और उससे कहता है बताओ आज तुम्हें पार्टी में क्या खाना है, मैं तुम्हारे लिए वही लेके आऊँगा। यहाँ पे उससे कहने लगता है फिर पाओ कि मुझे ना ड्रिंक करना है, हमें कोई भी ड्रिंक नहीं देता, हम भूत है ना इसीलिए। थर्स कहता है ठीक है। यहाँ पे ना थर्स काफ़ी हैप्पी होता है तो उसे टच करने लगता है बट वो तो एक भूत है तो उसे टच नहीं कर पाता। यहाँ पे उसे कहने लगता है पाओ क्या तुम भूल गए हो कि मेरे पास बॉडी नहीं है तो मुझे टच नहीं कर सकते, और सैड सा हो जाता है। यहाँ पे ये सुन के बुरा लगता है थर्स को भी। थर्स कहता कोई बात नहीं ओके, करने लगता है कि जैसे उसके शोल्डर को थपथपा रहा हो बट एक्चुअली में वहाँ पे होता तो कोई नहीं है, लेकिन इस वजह से यहाँ पे हैप्पी फील करता है पाओ और उसे थैंक्स बोलता है। सो आगे हम देखते हैं रात को सोते हुए थर्स को, उसे यहाँ पे एक ड्रीम आता है। ड्रीम में कुछ लोग उसे डरा धमका रहे होते हैं कि तुमने हमसे झूठ बोला। तभी यहाँ पे उसकी मदद करने के लिए आ जाता है ड्रीम में पाओ और उन लोगों को वहाँ से भगा देता है। पाओ से कहने लगता है यहाँ पे थर्स ये ड्रीम है या फिर सच। यहाँ पे पाओ उससे कहता है ये ड्रीम है। यहाँ पे ना बहुत हैप्पी होता है थर्स क्योंकि वो ड्रीम में टच कर पा रहा होता है पाओ को और इतना हैप्पी होता है कि उसे हग करता है। फिर यहाँ पे कह रहा होता है उसे पाओ कि तुम मेरी दुनिया में चलोगे घूमने के लिए। थर्स कहता है हाँ क्यों नहीं। यहाँ पे वो उसे अपने बैग पे बिठा के ले जाता है बट एक्चुअली में हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो होता है ना थर्स वो एक पिलो को हग कर रहा होता है। आगे हम देखते हैं ड्रीम में पाओ और जो थर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा घूमते फिरते हैं और एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करते हैं और काफ़ी खुश होते हैं एक दूसरे के साथ। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हमें दिखाया जाता है थर्स को सोते हुए, उसके साइड में बैठा रहता है पाओ। थर्स काफ़ी स्माइल कर रहा होता है क्योंकि उसने बहुत अच्छा सपना देखा है। यहाँ पे जो होता है ना पाओ वो भी थर्स के बारे में ही सोच रहा होता है। पाओ उसके काफ़ी क्लोज आ जाता है और फिर थर्स अपनी आँखें खोलता है और स्माइल करके उसे देखता है। पाओ से कहता है तुम्हारा ड्रीम अच्छा था ना। थर्स उठता है और कहता है हाँ बहुत अच्छा था और बहुत ही स्माइल कर रहा होता है।
यहाँ पे उससे पूछने लगता है थर्स, तुम्हें कैसे पता कि रात मुझे डरावना सपना आ रहा था? पाओ उससे कहता है, मुझे पता था क्योंकि कुछ शैतान लोग होते हैं जो कि सपनों में आते हैं। मुझे पता था कि तुम्हारे सपने में कोई शैतान आ रहा है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आ गया। सो आगे हमें दिखाया जाता है क्लासरूम में, जहाँ पर जो थर्स होता है उसके साइड में बैठा रहता है पाओ। वो उससे बातें कर रहा होता है और कहता है, तुमने अपना हेयर स्टाइल सीक्रेटली कब में चेंज कर लिया? और कहता है उससे, काफ़ी अच्छा हेयर स्टाइल है, यहाँ पे उससे कहने लगता है पाओ, हाँ मुझे भी ये हेयर स्टाइल पसंद आया। यहाँ पर वो दोनों बातें ही करने में लगे रहते हैं, लेकिन पूरी क्लास को सिर्फ दिखाई देता है थर्स जो कि अपने आप से बातें कर रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं फिर थर्स से कहने लगता है पाओ कि मुझे कुछ याद आया है कि मेरी जो मौत हुई थी ना वो कार एक्सीडेंट में हुई थी। और उसे कहने लगता है थर्स, और क्या याद है? कहता है यहाँ पे पाओ, बस मुझे इतना ही याद है। थर्स उसे कहता है, अगर तुम्हें मेरी किसी चीज़ में मदद चाहिए तो तुम मुझे बताना। हम देखते हैं क्लासरूम के बाहर से देख रहा होता है उसे मौन कि अपने आप अकेले बातें किए जा रहा है थर्स। मौन क्लासरूम में आता है तो बाकी बच्चे अजीब तरीके से देख ही रहे होते हैं थर्स को। यहाँ पे वो आके कहने लगता है थर्स से, थर्स तुम्हें पता है ना कि तुम अपने आप से ही बातें कर रहे हो। यहाँ पे वो एकदम देखता है पाओ की तरफ, पाओ एकदम चुप हो जाता है। यहाँ पे फिर कहने लगता है उसे थर्स, हाँ मुझे पता है। फिर मौन कहने लगता है मुझे वॉशरूम जाना है, तो मौन वहाँ से चला जाता है। उसके बाद थर्स और पाओ दोनों एक दूसरे को इशारा करते हैं कि अब हमें चुप रहना है। आगे हमें दिखाया जाता है बेड पे लेटे हुए थर्स को, जो कि अपने हाथ को कुछ इस तरीके से आगे करके रखता है जैसे कि उसने होल्ड कर रखा हो पाओ का हाथ, पर वहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता है। यहाँ पे थर्स कह रहा होता है पाओ से कि तुम मुझे अपने साथ कहीं ट्रिप पर लेकर चलो। उसी के साथ फिर हमें इस तरीके से बैठे हुए दिखाया जाता है थर्स और पाओ को, जहाँ पे कह रहा होता है उससे पाओ, तुम्हें ये जगह अच्छी लगी? तो थर्स कहता है, हाँ काफ़ी अच्छी जगह है। थर्स कहता है, अब तुम मुझे कहाँ पर ले जाने वाले हो? यहाँ पे पाओ कहता है, जहाँ तुम कहो। थर्स कहने लगता है, जहाँ मर्जी करे तुम्हारी, मुझे अपने साथ वहाँ लेके चलो, क्योंकि जब मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ तो मैं प्रोटेक्ट फील करता हूँ। पाओ कहता है, हाँ क्योंकि ये मेरी दुनिया है तो मैं तुम्हें ज़रूर प्रोटेक्ट करूँगा। यहाँ पर ये सुन के काफ़ी हैप्पी होता है थर्स और उससे कहने लगता है पाओ, क्या मैं हमेशा तुम्हारे साथ यहीं पर रह सकता हूँ? मैं नींद से उठना नहीं चाहता। यहाँ पर पाओ उससे कहता है, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, अगर तुम ज़्यादा लंबे समय तक सोते रहोगे तो तुम्हारी सोल स्प्रिट के पास पहुँच जाएगी, फिर हम दोबारा से कभी नहीं मिल सकते, तो तुम्हें ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर यह सुन के थोड़ा सैड सा हो जाता है थर्स और फिर उसके और ज़्यादा क्लोज होकर बैठ जाता है और कहता है, पाओ तुम्हें पता है क्या मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ? पाओ उसे कहता है, हाँ मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करने लगे हो, पर हम दोनों के बीच में कुछ नहीं हो सकता, हम दोनों अलग अलग दुनियाओं से हैं, कभी हम साथ नहीं आ सकते। यहाँ पर उसे कहने लगता है थर्स, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ इसी तरीके से रहना चाहता हूँ, हम दोनों ड्रीम्स में तो एक साथ रह ही सकते हैं ना। पाओ यहाँ पर उसे कहने लगता है, थर्स मुझे वापस जाना होगा क्योंकि मेरा समय नज़दीक आ रहा है, पर मुझे नहीं पता कि कब जाना है। यहाँ पर ये सुन के उससे कहता है थर्स, ओ तुम्हें जाना होगा, मतलब थोड़ा सैड सा भी हो जाता है। और फिर उससे कहने लगता है, ठीक है जब तुम्हें जाना हो तो मुझे तुम एडवांस में बता देना। यहाँ पर पाओ से प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें ज़रूर बताऊँगा जाने से पहले। यहाँ पे जो थर्स होता है ना वो कहने लगता है कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, ऐसे ही तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, तुम्हें उसका डिपॉजिट तो जमा करना ही होगा। यहाँ पे कुछ समझ नहीं आता पाओ को। हम देखते हैं थर्स एकदम से पाओ को किस कर देता है। उसके बाद पाओ से कहता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते थर्स, अगर तुम मुझे किस करोगे तो तुम्हारी लाइफ और भी ज़्यादा छोटी हो जाएगी। थर्स उसे कहता है, मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है, बस मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। पाओ उसे कहता है, रियली? थर्स कहता है, हाँ। हम देखते हैं यहाँ पे फिर पाओ भी किस करता है थर्स को और उससे कहता है, अब तुम खुश हो? थर्स कहता है, हाँ। और वो कहने लगता है पाओ से, क्या भूत को भी शाइनेस फील होती है? यहाँ पे वो दोनों बहुत प्यार से एक दूसरे के साथ बैठे रहते हैं।